अपने डेली लाइफ में हम लोग जो चीजें जैसी देखते हैं वो चीजें एक्चुअल में वैसी होती नहीं है, वो उससे बहुत ही ज्यादा अलग होती हैं। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बड़े बड़े कंपनीज का लोगो, बिकॉज ये जो कंपनीज होती हैं एक छोटे से लोगो के जरिए हमें ऐसी चीजें पता जाती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं अनिरुद्ध एंड आप लोग देख रहे हो फैक्टर्स का यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको ऐसे काफी सारे कंपनीज के लोगोज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको पूरी तरीके से शॉक कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन पे आता है ह्यूंडई का लोगो। इसको सिंपली देखने पे लगता है कि ये जो लोगो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एच दिया गया है जो कि ह्यूंडई वर्ड का पहला लेटर है। बट गाइस, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तब आपको पता चलेगा कि इसमें एक क्लाइंट है एंड एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि ह्यूंडई कंपनी का है वो लोग हैंड शेक कर रहे हैं। एंड ये एक ट्रस्ट का साइन है। एंड इसके जरिए ये जो कंपनी है ये आपको बताना चाहती है कि आप इस कंपनी पे बहुत ही ईजिली ट्रस्ट कर सकते हो, ये कंपनी कभी भी आपको चीट नहीं करती है एंड आप हमेशा यहाँ पे सेटिस्फाइड होके ही जाओगे। नंबर टू पे आता है एप्पल। सो गाइस, ये जो कंपनी है इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एप्पल एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। सो अगर बात की जाए इसके लोगों की, तो अगर आप लोग इसका एप्पल का लोगो देखोगे तो उसमें साइड से एक कट दिया गया है। सो आखिर ऐसा क्यों होता है एंड इसका क्या मीनिंग है? सो गाइस, जब एप्पल के लोगो डिज़ाइनर एप्पल का लोगो डिज़ाइन कर रहे थे तो बहुत ही सारे डिज़ाइन बनाने के बावजूद भी उन्हें कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं आई। एंड इसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो सामने एप्पल रखे गए थे डिज़ाइनिंग के लिए उनमें से एक एप्पल उठा लिया एंड उसकी एक बाइट ले ली। बाइट लेने के बाद जब उन्होंने उस एप्पल को टेबल पे रखा तब उन्होंने देखा कि ये जो एप्पल है ये अगर लोगो की तरह यूज़ किया जाए तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड एप्पल का एक जो टर्म है बाइट वो इस बाइट से मैच कर रहा था। सो उन्होंने सोचा इससे बढ़िया ऑप्शन कोई हो भी नहीं सकता है। सो उन्होंने इसी को एप्पल का लोगो सिलेक्ट कर लिया एंड हर किसी को ये जो लोगो है बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया। नंबर थ्री, टोयोटा। सो गाइस, टोयोटा कंपनी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड अगर आप लोग इसके लोगो को देखोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि आखिर इसके लोगो में क्या है। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो हमको लगता है कि इसमें भी टी दिखाई दे रहा है। सो गाइस, ये सच है कि ये जो टोयोटा का लोगो है इसमें टी लेटर ही दिखाया जा रहा है। बट अगर आप लोग इस लोगो को ध्यान से देखो तब आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टी लेटर नहीं है बल्कि टोयोटा इस वर्ड के सारे लेटर्स देखे हैं, जैसे कि टी ओ वाई ओ टी ए, सारे के सारे लेटर्स आपको इस एक अकेले लोगो में देखने को मिल जाएंगे। एंड ये इस दुनिया का एक अकेला ऐसा लोगो है जिसमें कि कंपनी के सारे लेटर्स आ गए हो। नंबर फोर, BMW। BMW एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि टॉप पे आती है एंड अगर बात की जाए इसके लोगो की तो आपको वहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट कलर का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये ब्लू एंड व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है बवेरियन फ्लैग को बिकॉज BMW कंपनी एक बवेरियन कंपनी है एंड वहाँ का फ्लैग कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एंड इसका जो फुल फॉर्म है वो भी है बवेरियन मोटर वर्क्स यानी कि BMW। नंबर फाइव, फॉर्मूला वन। सो गाइस, ये जो लोगो है इसको डी कोड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है बिकॉज अगर आप लोग इसकी तरफ ध्यान से देखो तो आपको पहले तो एफ इजीली दिख ही जाएगा एंड अगर आप लोग थोड़ा और ध्यान से देखो तो आगे आपको वन भी दिख जाएगा इन लाइंस के एंड एफ के बीच में। एंड ये जो लाइंस हैं ये स्पीड को रिप्रेजेंट करती हैं। नंबर सिक्स, एडिडास। सो गाइस, एडिडास का लोगो बहुत ही बार चेंज हो चुका है लेकिन उसमें से एक चीज़ कभी भी चेंज नहीं हुई और वो है उसके बीच की ये तीन लाइंस। ये तीन लाइन हर बार उसमें रहती हैं चाहे ये लोगो चेंज हो या ना हो। सो आखिर इन तीन लाइंस में से कौन सी बात छुपी हुई है? सो गाइस, ये जो थ्री लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं एक माउंटेन को एंड माउंटेन रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को जो कि रेसर्स करते हैं रेस करते टाइम। सो गाइस, होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।